हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी हंटर मोटरसाइकिल ने ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर का सर्विस अभी कंप्लीट किया है और ये 13th मंथ पे कंप्लीट हुआ है। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ, तो सबसे पहले चेन ल्यूब और चेन क्लियर जो कि इनका स्टैंडर्ड पार्ट है वो किया है। ब्रेक पैड जो है पीछे का रिप्लेस हुआ है, सामने का अभी भी सही है। 10,000 किलोमीटर्स ऑलरेडी रन कर चुका है और उसमें अभी 50% लाइफ बची हुई है। क्लच केबल असेंबली नया है। लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक 200 ml टॉपअप किया गया है, 0.2, जैसा कि आप देख सकते हैं 0.2 लीटर मैंने टॉपअप किया है। केबल स्ट्रैप जो कि सिंपल से स्ट्रैप होता है वो लगाया है, क्योंकि दो केबल स्ट्रैप लगाया है और बाकी इनके जो कंज्यूमेबल के चार्जेस है, ये टोटल मिलाकर जो अमाउंट मुझे पे करना पड़ा था वो है 893 rupees ऑन द 15,000 किलोमीटर सर्विस। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्विसिंग करा के मुझे 2 दिन हुआ और अभी इसकी रीडिंग जो आप देखेंगे वो है 15,000। ये सर्विस मैंने दिया था 14,972 किलोमीटर्स में, सो उसमें सर्विस का जो मार्क है वो ब्लिंक होने लगता है 50 या 100 किलोमीटर्स पहले, तो देन यू कैन गिव इट टू सर्विस। आपको पूरा 15,000 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये 13th मंथ में ही दे दिया, तो मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉट रॉयल एनफील्ड एक्सपेक्ट्स, जो कि 18 मंथ्स में या 15,000 होता है। तो मैंने ये 13 मंथ्स में ही 15,000 कंप्लीट कर लिया। सो दैट वाज अबाउट इट। द फ्रंट पैड्स आर स्टिल गुड एट इवन आफ्टर रनिंग फॉर 10,000 किलोमीटर ड्यूरिंग ब्रिज ड्यूटी एवरी डे मेरा रनिंग जो है वो है ऑलमोस्ट 70 to 80 किलोमीटर ऑन अ वीक डेज, और वीकेंड्स में मे बी अराउंड 30 किलोमीटर्स होता है। तो पीछे का पैड तो हर 5,000 किलोमीटर्स में चेंज हो चुका है, जो कि फर्स्ट सर्विस में भी हुआ था, अगर सेकंड सर्विस जो कि 5,000, 10,000 और 15,000 में। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शोरूम वालों को बोल दें कि पीछे का पैड ऑलमोस्ट रिप्लेस हो ही जाए, अगर आपकी राइडिंग हैवी है। अगर आप बहुत सिंपल राइड करते हैं, ज़्यादा पीछे के ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते, तो मे भी शायद आपका पैड उतना ना घसे। बट चूँकि मेरी राइडिंग जो है वो एवरी डे